देश में अगले साल 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में लगे हुए हैं। लिहाजा अब बिहार का विपक्षी दल नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहा है और नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तंज कस रहा है। नीतीश कुमार की फितरत है अपने सहयोगियों को धोखा देना के मंत्री पद पर बने रहने के लिए। इन्होंने सबों को धोखा देने का काम किया। नीतीश कुमार के बारे में कहावत प्रचलित है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा दिया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको ठगा नहीं है। उसने नीतीश कुमार आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लाख आप कोशिश कर लें, विपक्षी एकता का प्रयास कर लें, न 24 में नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे और न 2025 में बीजेपी को बिहार में सरकार बनाने से रोक पाएंगे। इधर जेडीयू से बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार के पीएम बनने की परिभाषा समझाई। इस बार हुआ बिहार को एक अच्छा नेतृत्व दीजिए, बिहार को विकसित प्रदेश बनाइए। लेकिन क्या किए साहब, उनको लोगों ने बता दिया कि आप तो प्रधानमंत्री बन सकते, उस चक्कर में वो पूरा का पूरा घूम रहा है बिहार छोड़ करके। तो देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था, आप लोग सुने भी हैं उसको, कि पीएम थे, पीएम है और पीएम रहेंगे। और पीएम का मतलब भी समझाई दिया था कि पी का मतलब पलटी, एम का मतलब मार, पलटी मार थे, हैं और रहेंगे, और उतना ही नहीं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में हवा में पुल बन जाते हैं और अब ड्रोन भी चोरी हो जाते हैं। ये वही प्रदेश है भैया जहां पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं, और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया, कि हम अपने आम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं। आगे बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनावों में जेडीयू का खाता तक नहीं खुलने वाला है। 24 में जिस तरह उनको बीच बीच में कीड़ा काटता है प्रधानमंत्री बनने का, 2013 में एक बार किया काटा था, तो पिछले बार तो आरसीपी बाबू थे तो विभूषित आ गया था गलती से। अभी तो आरसीपी बाबू भी भाजपा की सदस्यता ले चुके हैं। 2024 में नीतीश कुमार जी का खाता नहीं खुलने वाला है। बता दें, सीएम नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी विपक्षी दलों के साथ बैठक कर चुके हैं और एक महागठबंधन बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि चुनाव के दौरान पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दी जा सके। For watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.